कब्ज, गैस, पेट दर्द या फिर पेट में गैस बनना, पेट फूलना, इन सारी समस्याओं का इलाज आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये जो समस्याएं होती हैं दोस्तों, ये हर 10 में से एक इंसान को होती ही होती हैं। गलत जीवन शैली होती है, गलत हमारा खान पान होता है, तो फिर हमें ये सारी समस्याएं भुगतनी ही पड़ती हैं। हर किसी को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खा लेते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो उस टाइम पर पेट में ये सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार क्या होता है, हमारा जो कब्ज होता है यानी कि कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये समस्या किसी भी एज के ग्रुप में लोगों को हो सकती है। कभी ये समस्या ओल्ड एज में होती है, कभी किसी को यंग एज में भी हो जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या फिर बच्चे होते हैं, किसी को भी ये समस्या आम बात हो सकती है। हर घर में ये समस्या आमतौर पर उठती ही रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी रेमेडी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये है सौंफ, जिसे कि खाने वाला सौंफ बोलते हैं या फिर मसालों में डालते हैं, अचार में जिसका यूज किया जाता है दोस्तों, ये वही सौंफ है। सौंफ के बहुत सारे फायदे होते हैं जिनको आप सभी जानते होंगे। सौंफ जो होती है, पेट में जब हमारे गैस बनती है, पेट फूलता है या फिर हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, हर तरह से रामबाण औषधि की तरह काम करती है। सौंफ का पानी पीते हैं तो वजन भी कम होता है, साथ ही जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, जिस तरह के भी पेशेंट हैं वो इस सौंफ का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मुनक्का के दाने लिए हैं। मुनक्का के दाने जो होते हैं वो शरीर में बहुत ही एनर्जी डालने का काम करते हैं। अगर आप शरीर से कमजोर हैं तो आप मुनक्का का सेवन करिए। अगर आपको फीवर आ रहा है तो मुनक्का के दानों को सेक कर भी लिया जा सकता है। मुनक्का के दाने में जो होते हैं, इनमें कुछ बीज होते हैं। कई बार इसे लोग किशमिश से कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, ये किशमिश नहीं होता है। मेरे इससे पहले भी वीडियोज में कई लोगों ने कमेंट किया था कि मुनक्का को क्या बोलते हैं, मुनक्का को मुनक्का ही बोलते हैं। मुनक्का की पहचान यही है दोस्तों कि इसमें एक से दो बीज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरह से बीज को हमें निकाल देना होगा। अगर जो है आपके मुंह में स्वाद नहीं है, कभी कभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि मुंह में उनके स्वाद नहीं आता, तो आप मुनक्के के कुछ दानों को भून कर इसमें काला नमक और काली मिर्च डालकर खाइए। आपको बहुत जल्दी ही मुंह में जो है स्वाद महसूस होने लगेगा, साथ ही जो है आपकी जो वीकनेस है बॉडी की वो भी दूर हो जाती है। तो मुनक्का के बहुत सारे फायदे हैं, ये हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा बालों के लिए, स्किन के लिए या फिर पेट के लिए, पेट जब फूलता है, गैस बनती है, तो फिर मुनक्का के दानों का यूज किया जाए, या फिर अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान है तो मुनक्का जो है रामबाण की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमने कुछ मुनक्का के दाने लिए हैं, कुछ सौंफ ले लिए हैं। अब मैं मुनक्का के दानों को यहाँ पर बीजों से अलग कर दे रही हूँ। बीज जो है हमारे किसी काम के नहीं है, बीजों को निकाल कर हम हटा देंगे। इसके अलावा क्या चीज कितनी क्वांटिटी में लेना है और ये रेमेडी कैसे बनानी है, आगे आपको पूरा वीडियो देखना है। देखिए, यहाँ पर लगभग 2 चम्मच मुनक्का के दाने या फिर 15 से 20 जो मैंने बीज निकाल दिए हैं, बीजों को छाट कर अलग कर देते हैं। इसके अलावा जो सौंफ है हमारी, वो लगभग 3 बड़े चम्मच है, यानी कि 20 दाने, अगर 20 से 25 दाने मुनक्का के आपने लिए हैं तो आप कम से कम 2 से 3 चम्मच सौंफ ले लेंगे। ये मोटी वाली जो मसाला सौंफ होती है वही है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पैन ले लेंगे। पैन को गैस पर रख दिया है, पैन को धीमी आंच पर ही गरम करेंगे, बहुत ज्यादा गरम पैन नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सौंफ को हल्का हल्का सेकेंगे। जब भी हम किसी मसाले को सेकते हैं दोस्तों, तो उसका बादीपन निकल जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए कच्चे मसाले बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई रेमेडी बनाए तो मसालों को हल्का सा सेक कर ही बनाए। मसालों को सेकने से मसालों की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सौंफ जो है अपना कलर चेंज कर रहा है। सिम फ्लेम पर ही ये सारा काम हमें करना है, बीच बीच में लगातार चलाते रहें, मसालों को छोड़ना नहीं है। और सौंफ को हम क्या करेंगे, सिम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। मसालों को रोस्ट करने से एक तो जो कच्ची सौंफ होती है वो खाई नहीं जाती, जब हम इसको रोस्ट करके ये रेमेडी बनाएंगे, एक आयुर्वेदिक दवा की तरह बनाएंगे, तो ये आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगने वाली है। इसे बच्चे और बड़े सभी एंजॉय करके खा सकते हैं। ये जो दवाई मैं बता रही हूँ, इसे आप बिल्कुल ऐसे खाएंगे जैसे आपने कोई अनारदाने की गोली या फिर मीठी गोली खाई हो। बहुत ही अच्छी रेमेडी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सौंफ को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। इसे रोस्ट होने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तो अब हमारी सौंफ जो है बढ़िया तरीके से, देखिए कलर चेंज हो चुका है, रोस्ट हो चुकी है। फटाफट गैस को बंद करेंगे और पैन से जो है सौंफ को तुरंत निकाल लें, नहीं तो सौंफ जो है हमारी ज्यादा जल सकती है। हमने इसे प्लेट में डाल लिया है। सौंफ को हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब इसको हल्का सा ठंडा करेंगे उसके बाद ही जो है हम अपनी दवाई बनाएंगे। तो चलिए इसे छोड़ते हैं एक बार अच्छे से ठंडा होने के लिए। सौंफ हमारी ठंडी हो चुकी है,
अब मैं क्या करूंगी, मिक्सी का जार लूंगी। मिक्सी का जार एकदम ड्राई होना चाहिए, ध्यान रखें कि मिक्सी के जार में बिल्कुल भी पानी ना हो। छोटे जार का यूज कर रही हूं मैं। यहाँ पर मैंने सौंफ को डाला है, ढक्कन लगाएंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए सौंफ हमारी कुछ इस तरीके से पीस चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, जो मुनक्का के दाने हमने लिए थे जिनके बीज निकाले थे, वो सारी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। वापस से ढक्कन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, जो कि हमारे पेट के लिए, गैस के लिए या कब्जियत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। बहुत थोड़ा सा, 2 से 3 चुटकी काला नमक लिया है और इसको साथ में ऐड कर दिया है। मिक्सी के जार में वापस से ढक्कन लगाकर मिक्सी को अच्छे से घुमा देते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके का एक पाउडर बनकर, रफ सा पाउडर बनकर रेडी हो जाता है। अब वही पैन मैंने लिया है, इसमें हम डालेंगे गाय का घी। जी हाँ, ध्यान रखिए कि घी जो आप लें वो गाय का घी, 2 छोटे चम्मच हम गाय का घी लेंगे। और घी को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसमें अपना जो सौंफ और मुनक्के का मिक्सर है वो डाल देंगे। घी को ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्म ना करें, और इस मिक्सर के डालने के बाद फटाफट से इसको मिक्स करेंगे। घी डालने का रीजन ये है जिससे हम इसकी गोलियां बना सकें, और घी जो है आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गाय का घी जो है पेट में गैस को बनने से रोकती है, तो गाय का घी बहुत ही यूजफुल है। अब घी में जब हमने सारी चीजों को मिक्स कर लिया, घी आपको कम लगे तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आप कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद फटाफट से गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि अब हमें इसे वापस से रोस्ट नहीं करना है। गैस को बंद कर दिया है, इस मिक्सचर को हम प्लेट में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो इस मिक्सचर को मैं प्लेट में पलट देती हूँ और इसको हम रख देंगे 2 से 3 मिनट हल्का सा ठंडा होने के लिए, जिससे हम इसको हाथ से टच कर सकें। तो इसे मैं एक बार छोड़ देती हूँ। यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो चुका है, इसे हाथ से टच करके देख लें। अगर ये लगे कि हाथ से छूने लायक है तो फिर आप जो है हाथों में छोटा छोटा मिक्सर उठा सकते हैं। लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1/2 चम्मच मिक्सर हमें एक बार में लेना है। बहुत ज्यादा एकदम छोटी गोली भी नहीं बनानी है हमें, यहाँ पर बनानी है मीडियम साइज की गोली। तो सौंफ और मुनक्के की ये गोली जो है आपकी जो है शरीर में कब्ज अगर है, कई दिन से जकड़ा हुआ भी कब्ज है, तो बहुत ही आराम से दूर करेगी। पेट में गैस बनने की समस्या है, पेट फूल रहा है, आफरा आ रहा है, पेट की किसी भी तरह की समस्या के लिए ये गोलियां जो है बहुत ही रामबाण की तरह काम करती हैं। इस तरह से नॉर्मल साइज की गोलियां बना बनाकर हम पहले रख लेते हैं और बस इस तरीके से हमको इसको खाना है। ये गोलियां जो बनकर तैयार होंगी इनको हमें इसी तरह से खाना है, और आपको खाना कैसे है वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। ये जो गोलियां हैं दोस्तों, आपको एक बार में एक गोली लेनी है, पर अगर आपको कब्ज बहुत ज्यादा दिन से हो रहा है, आप कब्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो फिर आप एक बार में 2 गोलियां ले सकते हैं। पर आपको ये गोली सुबह खाली पेट लेनी है, एक गोली लेनी है, और इसको मुंह में डालने के बाद अच्छे से चबा चबा कर खाना है। ध्यान रखें कि जितना हम अच्छे से चबाएंगे उतनी ही ये दवा हमारे शरीर पर काम करेगी। जब हम इसको अच्छे से चबा कर खा लें तब हमें इसके बाद से 1 गिलास भर के गुनगुना पानी इसको ऊपर से पी लेना है। तो जो भी हमारी ये दवाई है वो काफी अच्छी तरीके से हमारे मुंह से निकल जाएगी और हमारे पेट में जो है वर्क करने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप एक बार में 2 गोली ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है तो आप 2 गोली ले सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल ले रहे हैं या फिर बच्चों को भी दे रहे हैं, अगर आपने बच्चों के लिए बनाई है तो गोलियों की साइज आप हाफ कर सकते हैं या फिर छोटे साइज की गोलियां बना सकते हैं। पेट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो 2 गोलियों को लेकर चबा चबा कर खाइए। सुबह खाली पेट खाना है और रात में भी खाना खाने से पहले आपको ये खाना है। इसी तरह से गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम 2 बार आप ले सकते हैं। समस्या आपकी कम है तो आप सुबह सिर्फ 1 बार ले लीजिए, या फिर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप जो है दोनों टाइम इस चीज का सेवन कर सकते हैं। ये गोलियां बनाकर आसानी से बाहर रखी जा सकती हैं, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ बनाकर इनको जो है 8 से 10 दिन, 15 दिन तक की दवाई तैयार करके रख सकते हैं। एक बार आपको कम से कम 10 से 15 दिन इसका सेवन करना है, फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, पेट फूलना, आफरा, इन सबसे जो है बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके काम की होगी, तो वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।